हेलो दोस्तों, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे आस्क डॉक्टर मक्कड़ चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप देख सकें हमारी लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वनक्कम सारे लोगों नू। अज का जो टॉपिक असी लैके आए हैं, असी वो टॉपिक लैके आए हैं गाउट। ये बहुत जरूरी टॉपिक है, ये सारी मातावां भैणां भरावां दोस्तों नू जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पंजाब विच जे असी कहीए गाउट जां जिहनूं असी यूरिक एसिड कह दिंदे आ, हुण ओह आम प्रॉब्लम है जो हर घर विच पाई जांदी है। हुण उहदा मुख प्रमुख कारण क्या, इहदा प्रमुख कारण इह नहीं कि साडे पानी विच कुछ आ गया, इहदा प्रमुख इह कारण नहीं कि हाँ जी कोई नवीं चीज़ आ गई है, इह साडे शरीर विच पैदा हुंदा है। इह दो तरीके नाल पैदा हुंदा, जां तां तुहाडी किडनी अपना शरीर विच जो यूरिक एसिड बन रहा है उसनों कढ नहीं पा रही, जां तुसी इह जिहियां चीज़ां खा रहे हो जिस नाल बहुत ज़्यादा तुहाडा यूरिक एसिड बन रहा है, जां तुसी कुछ इह जिहा तुहाडा शरीर टुट रहा है कि जो शरीर टुटन नाल प्रोटीन टुटन नाल यूरिक एसिड लैवल बहुत ज़्यादा वध रहा। हुण जे शरीर टुटन की गल करिए, हुण 30 साल की उम्र तो बाद हर बंदा सियाणा होना पैंदा, उहदा शरीर जिन्ना टुटदा उन्ना बनदा नहीं है। हुण इस उम्र च यूरिक एसिड बनना आम तौर पर शुरू हो जाता है, इसका प्रमुख कारण क्या है, तुसी पहले तुहाडा हाजमा वधिया सी, वो हाजमा कुछ भी चीज़ खाते से वो पच जाते, जिवें जिवें उम्र वधदी है साढ़े हाजमे कमज़ोर हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होंदा कि जिहड़ा प्रोटीन वाली चीज़ा असी खाने हाँ ये साढ़े शरीर विच प्रोटीन कट्ठा होना पैंदा, क्योंकि किडनियां उन्ना कढ़ नहीं पा रही। दूजा जा असी खाई बहुत ज़्यादा रहे हैं, पुराने जमाने ना गठिए नू यूरिक एसिड नू ते गाउट नू राजयां दी दवाई राजयां दी बीमारी कहिंदे सी, हुण इहदी दवाई भी राजे लैंदे सी। हुण राजयां नू क्यों कहिंदे सी, पुराने जमाने च जिहड़े प्रोटीन हुंदे सी ओह राजे ए अफोर्ड कर सकदे सी, गरीब बंदा अफोर्ड कर नहीं सकदा सी, जो खांदा सी प्रोटीन कदी कदाई खांदा सी। अज कल क्या है, असी सारे ही राजे हो गए हैं, असी डेली प्रोटीन इन्ना कंज्यूम कर रहे हैं, हर बंदे लगता साड़ी सेहत तो प्रोटीन खा के ही बनेगी, बिना प्रोटीन के तो साड़ी सेहत बननी नहीं। ये जिहड़ी आदत है इसके कारण यूरिक एसिड के पेशेंट पंजाब विच बहुत ज़्यादा हैं। दूजा क्या क्या है कि यह तो हो गया डाइट का पार्ट, हूँ है किडनियाँ। जे किडनी एक बंदे की बहुत ज़्यादा हैल्दी है और जिन्ना तुसी खाओ उन्ना यूरिक एसिड निकली जाएगा, जे उसकी हैल्थ घट जाए तो उस दे नाल क्या होगा, यूरिक एसिड का जिहड़ा ना कंटेंट तुहाडे ब्लड च वधने शुरू हो जाएंगे। नॉर्मल क्या है, नॉर्मल बंदे तो 6 से 7 मन्या जाता है यूरिक एसिड, जे मगर जे असी होम्योपैथी देखिए असी देखा कि जे 4 से 5 के बाद यूरिक एसिड वधे तद दर्दा शुरू हो जाती है। तो बेस्ट यूरिक एसिड तुहाडे लई क्या है, इहदी रेंज क्या है, वो है 5। हुण देखो एक बंदे नूं शुगर हो जाती है, वह मिठा खाँदा नहीं खाँदा, हुण जे सानूं यूरिक एसिड हो जाए असी क्यों यूरिक एसिड वाली चीज़ें जां प्रोटीन खाते रहने, सारी बीमारी की जड़ यह है। हुण साढ़े को कई बार मातावां आउंदियां 10 बार समझा लो माता जी वाई वाली चीज़ा नहीं खानियां, मगर फिर जाके उन्होंने वाई वाली चीज़ा ही खानी है। पंजाब विच लोग दारू छड़ देंदे हैं मगर यूरिक एसिड वाली चीज़ा खानियां नहीं छड़दे। साढ़े नाल कई बार हो चुका है, कोई पेशेंट आया उसने ने कोऑपरेट किया, उसने ड्रिंकिंग छड़ती, मगर जिवें ही सर्दियों का मौसम आता है साग का मौसम आता है वही व्यक्ति साग खाना शुरू कर देंगे, जोड़ा सोजस आ जाती है, कईयों बीपी का अटैक पै जाता है, कईयों शरीर से सोजस इन्नी होंगी है कि वह उठ भी नहीं पाते, अड्डी थले रख भी नहीं पाते। अड्डी दर्द भी ना जो असी देखिए ज़्यादातर मरीजों की जी जड़ है वह यूरिक एसिड है। हूँ जे बंदा सियाणा हो जाए वो खाए ना यूरिक एसिड वाली चीज़ा अद्धा ठीक हो जाए। हुण यूरिक एसिड कड़ी चीज़ा ना खाना वधदा ये साडा जानना बहुत जरूरी है। जे तुसीं गोभी खा रहे हो, तुसीं शिमला मिर्च खा रहे हो, तुसीं साग खा रहे हो, साग चाहे सरों का होवे चाहे बाथू का होवे चाहे तुहाडा पालक का होवे, तीनों ही साग तुहाडे यूरिक एसिड कंटेंट वधांदे, क्योंकि ये वाए करदे पेट जाके। हुण वाए दे विच देखो दुध इन्ना वाए नहीं करदा, दुध असी फिर भी पेशेंट नूं अलाउ करदे आ, 4 घंटे च डॉक्टर नहीं अलाउड करदे, मगर दही लस्सी जो साडे पंजाबियों दी जान है ये साडे यूरिक एसिड विच फसन दा प्रमुख कारण हैगा। ठीक है, हुण इस तों बाद क्या है, तुसीं दाल चिट्टे छोले काले छोले घट तों घट खाणा, जे दाल खाणी है पीली दाल खा सकदे हो, वह भी वध तों वध तुसीं हफ्ते विच एक बार खा सकते हो, उस तो वध नहीं खानी हैगी, बिना छिलके वाली दाल खाई जा सकती है, मगर हफ्ते च मैक्सिमम 1 टाइम। ठीक है, हुण
क्या है कि जे अपना डाइट ठीक कर लेंगे तो अपने आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि यूरिक एसिड में असं कहते जी हाइपर यूरीसीमिया, जिमें शुगर को कहते जी हाइपर ग्लाइसीमिया, शुगर जो शुगर वधी असं मिठा खाना हटते हैं, उवें जे असी जे वाई वाली चीज़ा खाना हट जाइए तो साडा अद्धा इलाज इत्थों ही हो जाना। तो शुरुआती तौर पर तुहानू दवाइयां दी लोड़ हुंदी है जो अटैक हुंदा, मगर बाद जे तुसीं डाइट कंट्रोल रखो तुहानू दवाई खाण दी लोड़ ही नहीं पेगी। साडे कोल कई पेशेंट है जिहड़े 10-10, 11-11 साल तो यूरिक एसिड तो ठीक हन। तो यूरिक एसिड जो लंबे टाइम वधदा रहे करदा गया, यूरिक एसिड जो लंबे टाइम वधदा रहिंदा ना, जिवें एक लोहे नूं जंग लग जाता, यह जंग जाके तुहाडे शरीर के जोड़ों में लगना शुरू हो जाता है। जोड़ों क्या होंगे, जिमें जिमें इकट्ठा हो जाता हड्डी के उपर इकट्ठा हो जाता है ना, एक क्रिस्टल की तरह होंगे हैं। जिमें एक गिलास लैके उस बहुत ज़्यादा द नमक घोल दो ना, जो उन्होंने ठंड च रखोगे तो तुहानू उसके क्रिस्टल दिखनगे। जे तुसीं एक धागा लटका के छड़ दो ना, उससे वो क्रिस्टल बन के एक जिमें चीनी के क्रिस्टल होंगे वो जहाँ बन के आ जाएगा। तो यही चीज़ तुहाडी हड्डी च हो रही, जिते जिते इहनू कैल्शियम मिलिया यह चुंबक की तरह उहदे वल खिंचा जाएगा, इन्हें उत्थे जाके जमना शुरू हो जाना। इस दे नाल क्या होंदा, जिवें रात नूं तुसीं सौंदे हो यह तुहाडे पिट्ठ ते तुहाडे पैरां दे थल्ले आके जुड़ जाता, इस नाल क्या होंदा यह उत्थे जिवें सवेरे उठे पहला पैर रख्या हड्डी दर्द होगी, बंदे चिखा मार देंदे, कई पेशेंट तो रोण भी लग पैंदे आ। हुण उही पेशेंट जे अपना यूरिक एसिड ठीक कर लैन, जिहड़ी पैरां च हड्डियां वज जांदियां वो हड्डियाँ घटनिया शुरू हो जाए, दर्दा आकड़न जकड़न सोजस घटनी शुरू हो जाती है। सारा जो है इतने हाजमे का रोल है। हुण होम्योपैथी की करती है, होम्योपैथी थोड़े हाजमे को ठीक करती है, ना कि यूरिक एसिड को बनन तो रोकती है, क्योंकि यूरिक एसिड तो शरीर में नैचुरल प्रोडक्ट है, जो साडी शरीर कट नहीं पाता तद बीमार होता है। इतने हुण आपां जे दवाई कहीए, हुण बेंजोइक एसिड मेन दवाई है, जिहड़ी बेंजोइक एसिड हुंदी है इसी जे इस बंदे नूं पेशाब ज़्यादा आना पे तो ये गोडे मोडे का दर्द घट जाते, यानी कि किडनी जो चंगी काम करे ना आपी इनू दर्दा हट जाएगियाँ। मगर जे इस बंदे तीवी नू पेशाब घट आना पाया तो अच्छी अकड़न जकड़न गोडे मोडे जाम होने शुरू हो जाएंगे। तो बेंजोइक एसिड दवाई उस पेशेंट को लेनी चाहिए जिदी किडनी जो वधिया काम करे तो उनकी दर्दा खत्म हो जाए, जो घट पेशाब आता तो दर्दा वज जाए। हूँ इस अगे असं कहेंगे दूजी दवाई जी है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम उन्हां मरीजों की दवाई है जिहड़े मरीज मान लो उन्होंने गैस बहुत होंदी है, पेट हैवी लगता, थल्ले वाला पेट ज़्यादा हैवी लगता, इन्हां नूं मिठे की खोई बहुत पैंदी है, क्योंकि थकावट महसूस करते थोड़ा मिठा खाते आराम मिलता, मगर मिठा खा खा के मोटापा कर देंगे। इन्हां दी जिहड़ी कहिंदे जी असीं कहिंदे गोगड़ गोगड़ निकली हुंदी है, जां तोंद भी कहिंदे आ हिंदी च कह दिंदे आ, पर पंजाबी च कई लोग इहनूं तोंद कहिंदे आ। तो यह उन्हां लई है जिन्हां दी गोगड़ निकली होवे, तो उन्हां मरीजां नूं लाइकोपोडियम लैणी। जे लाइकोपोडियम दा मरीज ना मिठे दा बहुत शौकीन होगा, रोटी खा के इन्हें एक गुड़ की डली या एक टॉफी जरूर लैनी है, चाहे 60 साल का होवे, 60 साल के बंदे भी कई बार टॉफी लैन वाले मिल जाते, साढ़े को भी कई पेशेंट आए हैं। तो उन्होंने लाइकोपोडियम मेन दवाई है। हूँ इस तो बाद दवाई आई कलकेरिया फोस। कलकेरिया फोस उन्होंने मरीजों की दवाई है जिन्हें हड्डियों गोडे मोडिया दर्द होंगे, प्लस ये दर्द लगातार रहा, यह आता जाता नहीं है, जो आता जाता हो फिर असी कलकेरिया फॉस की जगह रेस्टोक्स दवाई देंगे, जिसे आन जाने वाला दर्द हो मीह पैनते दर्द वादा हो, इस देंगे कलकेरिया फॉस दवाई जी लगातार ही दर्द रहा घटता ही ना होक्यूट अटैक हो। नॉर्मली क्या होंगे अक्यूट अटैक आके लंघ जाता, क्रोनिकली यूरिक एसिड वधदा रहा, वो ज़्यादा तंग नहीं करता, जिमें जिस दिन तुम कढ़ी खा ली या कुछ खा लिया उसने इनू बहुत ज़्यादा वधा देना। हूँ जी असी अगली दवाई दसन जा रहे हैं, वो दवाई तो देखो जी लोगों ने यूज़ भी बहुत की है, मिसयूज़ भी बहुत की है। हूँ वो हैगी है बर्बेरिस वलगैरिस। बर्बेरिस वलगैरिस हर मरीज लै लैंदा जिन्हों यूरिक एसिड वधदा हो, मगर ये यूरिक एसिड की दवा नहीं है, ये जी दवाई है उन्हों की है जिन्होंने यूरिक एसिड होने पिछे पत्थरियाँ होंदियाँ, पत्थरियाँ भी खासकर खब्बे पासे दिंदियाँ ना कि सज्जे पासे दिंदियाँ, तो उन्होंने बर्बेरिस वलगैरिस लैनी चाहिए है। बर्बेरिस वलगैरिस दा फायदा हैगा, ये तुहाडे हाजमे नूं ठीक करती है, शरीर नूं डिटॉक्सीफाई करती है, तो तुहाडे शरीर नूं बूस्ट अप दिंदी है कि वो अपने आप नूं रिकवर करे, तुहाडे लीवर रिकवर करे, इवन लीवर दे कैंसर तक दे पेशेंट रिलीव करती है, लीवर दे पत्थरियां तक ठीक कर दिंदी है, जिवें पित्ते दी पत्थरी जिवें असीं कहिंदे आ। मगर ये दवाई बहुत ज़्यादा अपने आप ना लैंदे रहो, क्योंकि कभी भी तुसीं दवाई लैनी है वो एक सियाने डॉक्टर नूं पुछ के लो, जिहड़ा असीं कहिंदे नी
ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੋਕ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਿੰਮ ਹਕੀਮ ਖਤਰਾ ਜਾਣ, ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਖੁਦ ਨਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਖਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਜਦ ਵੇਰਵਾ ਲਏਗਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਤਦ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਬਿਮਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੀ ਘਰ 'ਚ ਸੇਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਰੋਟੀ ਸੇਮ ਸਬਜ਼ੀ ਘਰ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਪਤਨੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਖਾਂਦੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਖਾਂਦਾ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੋਇਆ ਕਿਹਨੂੰ? ਜਿਹਦਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਕਿਡਨੀ ਇੰਨੀ ਐਫੀਸ਼ੈਂਟ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਢ ਪਾਵੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟੋਪਿਕ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋਰ ਟੋਪਿਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਰਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸੀ ਉਸੀ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਦੇਈਏ, ਮਗਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੱਧਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਟੋਪਿਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੋਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਟੋਪਿਕ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਓ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਗਾਊਟ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਪਾਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਠੀਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।